गरीब और जरूरतमंदों को खाना खिलाकर कोरोना के इस लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए लायंस क्लब ऑफ चेंबूर ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। विधायक प्रकाश फातरपेकर और पूर्व नगर सेविका सुप्रदा फातरपेकर के सहयोग से लायंस क्लब ऑफ चेंबूर के सभी मेंबर्स ने मिलकर चेंबूर के महिला समाज हॉल में यह अनाजदान का उपक्रम शुरू किया है। इस अनाजदान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान दिया गया। आज चेंबूर महिला समाज आज यांचा धन्यवाद मानायला पाहिजे की यांनी या इथे त्यांचं किचन उपलब्ध करून दिलं आणि या इथे चेंबूर लायन्स क्लबला लोकांसाठी जेवण बनवायला त्यांनी संधी दिली आणि आज लायन्स क्लबच्या मार्फत आज गरजू लोकांना हे जेवणाचं वाटप होत आहे। आज कुठे कुठे एन जी ओज असतील त्यांनी फोन करून जर लायन्स क्लबला कळवलं किंवा मला जरी फोन केला तरी मी त्यांना तो नंबर देईन आणि खरं म्हणजे एकदम गरजू असतील त्यांनाच, असं नाही की घरात आहे सगळं आणि आपण त्यांच्यासाठी देतो असं होणार नाही आहे। याची आपण कोणाला देतो त्याची पण खात्री करून देणार आहे लायन्स क्लबवाले, त्यांना मी सांगेन तसं करून घ्या कारण आज खरं म्हणजे परिस्थिती जशी आहे की लॉकडाऊन झालेला आहे, कोणी बाहेर नाही आहे आणि जे ज्यांचं पोट हातावर आहे त्यांना त्रास होतो आहे। तिथे आम्ही माझ्यातर्फे आणि आमच्या शिवसेनेतर्फे आम्ही सगळीकडे धान्य वाटप करतोच आहे। किचन का किधर भी हमको बंदोबस्त कर दो। फिर प्रकाश भाई से जो हमारे एमएलए हैं उनसे बात की, उन्होंने हमारे को महिला समाज का किचन का प्रोविजन करके दिया। इस कार्य के लिए हम लोग ने लायंस क्लब चेंबूर ने सोचा है कि जितना भी फ्री डब्बे यहाँ पे बांट सकें उतना हम लोगों को जरूरतमंद लोगों को बांटने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग सानपाड़ा से लेके आते थे बॉक्स और यहाँ पर बांटते थे, लेकिन सानपाड़ा अभी जाना आना मुश्किल हो गया है तो यहाँ पे जो सुविधा शुरू हुई है इससे जिसको भी ज़रूरत हो चेंबूर में घाटकोपर में या लायंस क्लब में किसी को भी ज़रूरत हो तो हमको फ़ोन करें, हम उसको अरेंजमेंट करके देंगे उतने डब्बे देने का। बहुत बहुत महिला मंडल का और प्रकाश भाव का और सुप्रदा का और हमारी सारी टीम का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये सब वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, जबकि लोगों को ये बोला गया है कि आप घर से बाहर नहीं निकलना। हम भी पूरी प्रिकॉशन लेके ये सब काम कर रहे हैं ताकि इसका कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं हो। सबसे पहले मैं लायंस क्लब ऑफ चेंबूर का अभिनंदन करूंगी कि इन्होंने इतना अच्छा कार्य चालू किया है। वैसे भी चेंबूर में उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, सोशल वर्क अच्छा काम करते हैं लायंस क्लब, और ये अभी जहाँ पे सच्ची इसकी ज़रूरत है उन्होंने, उनकी टीम ने, शर्मा सर ने, सब लोगों ने आके सहभाग होके ये अच्छा काम करे तो मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। और चेंबूर महिला समाज जो है उन्होंने भी इनके साथ जो ये भी खाना बनाएंगे तो मैं उनके भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आगे आके ये चीज़ को प्रोत्साहित किया है कि वो जाके सोशल वर्क में बात करें। Today we can say that our nation is in a state of war against coronavirus, and when the lockdown was announced by our Honorable Prime Minister on 22nd, that is Janta Garfi, since then we've been trying to find out ways and means of helping the community where the kitchens are shut and people are in need of ready-made food. For this particular project, we had earlier tied up with kitchen in Vashi, Sanpada, Sadgur, and about 200-300 parcels were being taken from Vashi and being distributed to various places in Shatabdi Hospital, doctors and others. But recently, in the past 2-3 days, access to Vashi has been denied by the police. So our senior member, Lion Sundar Sharma ji, past state governor, thought that we should have a kitchen, as well as senior member like Vinod Kapoor ji, Mohan Kavre ji. They were very keen that we should have a kitchen in Chembur where we can serve the people faster, better, in a more efficient manner. And we were lucky that we were able to help the assistance of our local MLA, Shri Prakash Patavlikar ji, and his daughter Suprada ji. And here in Chembur Mahila Samaj, we have a team of women here who are preparing hygienic, clean food. So the making part is taken care of. In terms of distribution, we have a team of volunteers here, about 15-20 volunteers.
keeping in mind social distancing measures that our authorities have announced, we are making sure that all that is being adhered to. People are, their hands have been sanitized, it's been given in a clean and non-chaotic manner. And currently, we're catering to about, starting with about 200 food packets per day. We plan to go about 400 lunch packets between afternoon from 12 noon to 2 p.m. कैमरामैन इकबाल शेख के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई।